हेलो एवरीवन, अभी जिस स्ट्रीट में मैं हूँ वो स्ट्रीट है पताया की वॉकिंग स्ट्रीट, और सबसे ज़्यादा क्राउडेड स्ट्रीट है ये। और अगर आप यहाँ पर देख लोगे यार, इंडियन की ना भरमार है। तो समझ में नहीं आता कि इंडियन गवर्नमेंट यार इनके लिए क्यों नहीं करती कुछ। इनको बताओ, एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री आना पड़ रहा है। और ये जो स्ट्रीट है ये रेड लाइट स्ट्रीट भी कहते हैं, रेड लाइट एरिया भी है। सोच सकते हो कितने सारे इंडियन, मैं देख रहा हूँ हर जगह इंडियन से इंडियन हैं। तो कुछ अपनी गवर्नमेंट को करना चाहिए इन लोगों को इंडिया में ही कंट्रोल करके रखने के लिए। ये लोग बेचारों को बताओ, इनको बाहर आना पड़ रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का मॉल। तो यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ का आप माहौल देखिए, बस माहौल। ये देखिए हमारे इंडियन भाई कितने फुल मजे में हैं। ये देखिए ये देखो, यहाँ पर भी ज्यादातर इंडियन ही दिख रहे हैं। देखो भाई लोग, यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडिया आ गया हूँ, मतलब इंडिया की किसी मार्केट में हूँ। इतने सारे इंडियन, लाइटिंग देखो, लाइटिंग पूरा थाईलैंड सो चुका है, लेकिन बस ये जो मार्केट है ये जिंदा है अभी, और ये मार्केट चलती रहेगी। मतलब ये जो स्ट्रीट है 4-5 बजे तक चलती रहेगी। तो भाई मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पर किसी दूसरी कंट्री में आया हूँ। मेरे दोस्त ने सही कहा था भाई, वहां जाएंगे ना बहुत इंडियंस मिलेंगे। गाइज, अभी मैं हूँ पताया बीच के पास, और
बीच के आप पीछे की साइड देखेंगे ना, इस साइड जो रोड एरिया है, यहाँ पर बड़ी सारी आपको गर्ल्स दिखेंगी, लड़कियाँ दिखेंगी जो 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 किस लिए हैं, जो उन्हीं सब कामों के लिए हैं जो काम के लिए लोग यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोग आते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मैं तो यार वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए आया हूँ, देखने आया हूँ ये जगह कैसी है और किस तरह से यहाँ पर इंडियंस का जमावड़ा है। जमावड़ा कहने का मतलब यार इतना भर भर के इंडियंस है ना यहाँ पे, भर भर के इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं क्या बताऊँ, हर जगह इंडियन की भीड़ है हर जगह यहाँ पे तो। और क्या है, बस हर जगह साला इंडियन 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 इंडियन, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं थाईलैंड में हूँ। बस ये है कि जो माहौल है वो कुछ अलग है, लेकिन माहौल में जो शामिल हो रहे हैं वो यहाँ पर इंडियंस हैं ज़्यादातर, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादातर बहुत सारे लोग यहाँ का टूर बना रहे हैं इंडियंस, और शायद इसलिए भी क्योंकि वीज़ा फ्री हो रखा है इंडियंस के लिए, और सिर्फ इंडियंस इंडियंस के लिए ही नहीं, कई लोगों के लिए वीज़ा, कई कंट्री के लोगों के लिए वीज़ा फ्री है। और भाई जब मैं एंटर कर रहा था कंबोडिया से, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी बॉर्डर पे भी, और वीज़ा ऑन अराइवल में ही मेरे को लग गया होगा 2 से 2.5 घंटा, बहुत सारे लोग आ रखे थे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड का माहौल, कि उस साइड का माहौल है ना, यहाँ पर इस तरह से रोड साइड लड़कियाँ रहती हैं, बाकी लोग अप्रोच करते हैं, वो अपना प्राइस बताते हैं, फिर उनके साथ होटल वगैरह जहाँ पर भी उनको जाना होता है वो जाते हैं। जो बीच साइड का व्यू है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ड्यूल कैमरे में है ना, वरना क्या होता है कैमरे के सामने जो लोग हैं ना इधर उधर छुप जाते हैं। तो यहाँ मैं अब दिखाता हूँ आपको, तो इस साइड आपको दिख रहा होगा है ना, तो ये पूरा पूरा रोड है इस साइड, और इस रोड पे आपको लेफ्ट साइड राइट साइड लड़कियाँ दिखेंगी, ये सब उन्हीं के लिए होती है कॉन्टैक्ट्स करने के लिए, आप जैसे इनके पास जाओगे है ना ये आपसे बात करेंगे, और बात करने के बाद फाइनली प्राइस डिसाइड होगा, प्राइस डिसाइड होने के बाद वो आपकी मर्जी है, आपको लेकर जाना है या आप इनके साथ जाना चाहते हो। और ये सारी की सारी मैं इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ है ना, ये पूरा पूरा रोड इसी टाइप का है, मैं भी पहले इस तरह का ये सारा का सारा वीडियो में देखा करता था। फाइनली जैसे आप कैमरा ऑन करोगे ना तो मोस्टली क्या होगा, जो लड़कियां हैं वो इधर उधर भाग जाएंगी। ये पूरा पूरा ये देखिए बीच साइड, ये पूरा बीच एरिया, और उस साइड है वो रोड के साइड सारी की सारी गर्ल्स खड़ी रहती हैं। बाकी देख सकते हो आप रात में बीच पर लोग इस तरह से बैठकर पार्टी वगैरह करते हैं, कई लोग मसाज वसाज करवाते हैं, जिसका जो मन करे वो करते हैं यहाँ बीच पर बैठकर। बीच साइड ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर लड़कियाँ खड़ी आपको मिलेंगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, प्राइस डिसाइड कर सकते हो। वैसे 1500 बात इनका प्राइस है, 1500 2000 डिपेंड करता है सब पर।